हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के हाईवे 9 कुचेसर चौपला पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार सवारियों से भरी रोडवेज बस खराब खड़े ओवरलोड ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और बस में सवार चालक सहित 18 यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली से भरद्वाज जा रही थी और पीछे सर पुल जो है पड़ता है पीछे सर चौपला का, वहाँ गन्ने का ओवरलोड का ट्रोला गन्ने का खड़ा था, वो ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया, बस उसमें खराब गन्ने के ट्रोले में घुस गई। तो कितने लोग घायल आए थे? 17-18 लोग हो गए। 17-18 लोग घायल थे। अब कोई गंभीर रेफर? ड्राइवर को गंभीर रेफर कर दिया गया जी टी। हेलो, आपको बता दें कि रोडवेज बस दिल्ली आनंद विहार से मुरादाबाद जा रही थी। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।